हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पी क्लासेस में और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग की डिमांड पर दोस्तों क्योंकि आप कह रहे थे कि सर कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डी सेल के क्वेश्चन लेके आई हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डी सेल से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों आज का सेशन दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन कलेक्शन करके लाया हूँ दोस्तों कौन कौन से हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डी एफ के ठीक है ना तो इसमें दोस्तों हम अप्रोसीमेट अराउंड ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे कम्प्लीट ठीक है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो भी और जो हो सकता है कि आ भी जाएँ ठीक है ना जो एक्सपेक्टेड है वो भी और जो दोस्तों पी वाई क्यूँ हैं वो भी हम सारा कुछ आज इसमें हम कवर अप कर रहे होंगे दोस्तों ठीक है ना तो ये दोस्तों आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ठीक है तो देखिए दोस्तों और इसकी सबसे पहले आपको बता दोस्तों इसकी पी भी आपको हमारे आई पेपर क्लासिस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है ना तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डी तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ना क्योंकि दोस्तों हमने इसमें वन लीनियर क्वेश्चन लिए हुए हैं फास्टली हम दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और सभी के एडमिट कार्ड आई थिंक अपलोड हो चुके हैं ठीक है ना और सभी के एडमिट कार्ड आपके क्या क्या हो गए दोस्तों सभी को अपने अपना सेंटर का पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे किसका सेंटर गया हुआ थीके? तो ठीक है तो सभी को सभी स्टूडेंटों को मतलब बेस्ट ऑफ विशिस एग्ज़ाम के पर्पज से और ठीक है तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में कार्य करती है दोस्तों जो डीएफसी सी आई लै वो हमारे किस क्षेत्र में कार्य करती है देखा जाए तो ये करती है आपके कौन से रेल अवसंरचना में दोस्तों किस में रेल अवसंरचना में कार्य करती है कौन सी दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है भारतीय रेलवे को समर्पित तो कौन सा दोस्तों भारतीय रेलवे को समर्पित फ्रैट कॉरिडोर जो है दोस्तों ये परियोजना बजट दो और बाईस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लागू की थी तो ठीक है उसमें दोस्तों जो तो पूर्व साइड का जो तो डेडिकेट फ्लैट कॉरिडोर है उसको कब तक चालू करने का स्टार्टिंग की गई है तो दोस्तों जो तो पूर्व साइड का दोस्तों अगर इंडिया में दोस्तों इस तरीके का आए तो हमारे ईस्ट साइड का दोस्तों जो फ्रेड कॉरिडोर है ये वाला है ये कब लागू हो जाएगा दोस्तों कब चालू हो जाएगा तो जाएगा दोस्तों दो तक ठीक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए नेक्स्ट इकतीस मार्च दो तक ये पी वाई की बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि पिछले साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इकतीस मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है भारतीय रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है देखा जाए दोस्तों एक सौ छब्बीस पॉइंट एक सॉरी एक सौ छब्बीस तीन सौ छासठ किलोमीटर यानी कि एक लाख छब्बीस हज़ार तीन सौ छासठ किलोमीटर है दोस्तों कितनी भारतीय रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई दोस्तों ठीक है ना इसमें दोस्तों आपकी ब्रॉड गेज की? की अलग होगी नैरो गेज की अलग होगी और दोस्तों किसकी मीटर गेज की अलग होगी ठीक है नेक्स्ट अत्याधुनिक दोस्तों मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री इंट्रीगल कोच फैक्ट्री रेल कोच फैक्ट्री ठीक है ना ये सारी दोस्तों अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं दोस्तों सभी के मुख्यालय अपनी अपनी जगह स्थित हैं तो जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री इसका मुख्यालय दोस्तों उत्तर प्रदेश में और रायबरेली में ठीक है उत्तर प्रदेश रायबरेली में स्थित है और आपको मुझे बताना है दोनों इन दोनों फैक्ट्री के ठीक है ना कौन कौन सी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री और रेल कोच फैक्ट्री आपको मुझे बताना इनके हेड क्वार्टर कहाँ पर है ठीक है नेक्स्ट गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों कौन सी है गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट में ये दोस्तों ये भी एक ट्रेन है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है मैक्सिमम स्पीड पूछा है दोस्तों आपसे मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इसी स्पीड से चलती है दोस्तों ठीक है ना एक किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है ठीक है नेक्स्ट बैंबानद रेल ब्रिज जो दोस्तों ये बैंबानंद रेल ब्रिज है दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है तो ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है ये दोस्तों कोंची केरल में स्थित है कहाँ पर दोस्तों केरल में स्थित है ये वाला पुल ठीक है एक दोस्तों हाइट में है ये वाला पुल एक एक हाइट में है दोस्तों वो चार सौ सड़सठ समथिंग किलोमीटर का है दोस्तों वो कहाँ पर है वो, वो चेनाब नदी पर है कहाँ पर है दोस्तों चेनाब नदी पर बना हुआ वो हाइट में है और ये दोस्तों लेंथ में है ठीक है ना ध्यान रहे क्योंकि दोस्तों बाई मिस्टेक एक मेरी वीडियो में ये गलती से निकल गया था मुँह से और वो टाइप भी गलत हो गया था उसके लिए दोस्तों आई थिंक सॉरी ठीक है नेक्स्ट मिशन रफ्तार की शुरुआत दोस्तों मिशन रफ्तार की शुरुआत हुई थी उसमें दोस्तों प्राविश प्रस्तावित प्रस्तावित की गई नई सेवाओं में कितनी ट्रेन शामिल हैं कितनी ट्रेन शामिल है दोस्तों जो प्रस्तावित की गई थी उसमें दोस्तों चार ट्रेन शामिल थी ठीक है उसमें उस टाइम पे अंत्योदयाय एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस और उदय एक्सप्रेस ठीक है ना चार ट्रेन शामिल थी उस टाइम पे हो सकता है कि आप बढ़ गई हो ठीक है ना अभी तक तो आई थिंक मुझे लग रहा है चार ही हैं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिशन रफ्तार किससे रिलेटेड है दोस्तों ये हमारी रेलवे से रिलेटेड है दोस्तों एक्सप्रेस ट्रेनों से ठीक है ना रेलवे स्टाफ कॉलेज आया हुआ क्वेश्चन है आप देखे भी होंगे ठीक है जिसने पी किया होगा उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ना और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पर डेली इसी टाइम आज तो मैं आपके लिए दोस्तों आपकी डिमांड पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डी साल के क्वेश्चन कलेक्शन लेके आया हूं और दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं इस टाइम पर दोस्तों आपको क्या कराता हूँ प्रैक्टिस सेट कराता हूँ डेली ठीक है ना प्रैक्टिस सेट एक क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपके वो सारा कुछ कंप्लीट कराता हूँ ठीक है ना तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पर रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है बड़ोदरा गुजरात में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 मार्च 2020 हज़ार बीस तक ब्रोडगेज की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है ब्रोडगेज की कुल लंबाई दोस्तों अब यहाँ पे पूछा हुआ है ठीक है ना कितने किलोमीटर है तिरसठ किलोमीटर ये आ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके दो वाले में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ना आगे देखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दोस्तों कहाँ पर स्थित है मुगल सराय जो कि मुगल सराय है दोस्तों कहाँ स्थित है मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो दोस्तों है वहाँ पर दोस्तों क्या है सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है ठीक है ना नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो दो है दोस्तों सी इसको जो है ना यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों 2004 में ठीक है ना ये कहाँ स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है ठीक है ना कौन सा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नेक्स्ट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दोस्तों गिनीज बुक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक होती है दोस्तों इसमें दोस्तों क्या कि जो गिनीज रिकॉर्ड बुक में ये सो आई थिंक मिस हो गया है विश्व का सबसे पुराना इंजन कौन सा है दर्ज है दोस्तों ये दर्ज गिनीज बुक में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन कौन सा है दोस्तों स्टीम इंजन कौन सा है ये सही क्वेश्चन ये है स्टीम इंजन कौन सा है दोस्तों ये फेरी क्वीन कौन सा है दोस्तों फेरी क्वीन है स्टीम इंजन है ये हमारा और ये वर्ल्ड की गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है ठीक है ना एट प्रजेंट में दोस्तों अगर पूछा जाए कि आपसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है थे तो, तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी ठीक है ना दोस्तों बताइए फर्स्ट सी कौन थे फर्स्ट सी नेक्स्ट भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है सुरेखा यादव सुरेखा यादव आ जाएगा ये आपके एग्जाम में हंड्रेड वन परसेंट आ सकता है ठीक है ना भारतीय रेलवे की पहली महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन बनी है दोस्तों रिंकू सिन्हा रॉय रिंकू सिन्हा रॉय ये इस तरीके के दोस्तों तो फर्स्ट टाइम हुआ ना इंडियन रेलवे में हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए भारतीय रेलवे में पूर्णतः भारतीय रेलवे में पूर्णतः महिला द्वारा संचालित स्टेशन है दोस्तों वो कौन सा है माटूंगा रेलवे स्टेशन कौन सा दोस्तों माटूंगा रेलवे स्टेशन आई थिंक इस पर दोस्तों इसको दो हज़ार अठारह में स्टार्ट किया गया था चालीस या इकतालीस दोस्तों इस पे कर्मचारी हैं अप्रोक्सीमेट ठीक है ना वो सभी के सभी महिलाएँ हैं और दोस्तों अब आप आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है इसकी स्थित यानी कि लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है ठीक है ना नेक्स्ट मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत की गई थी आपको मुझे बताना है कौन से सन में की गई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत 2000 अगर मैं बताऊं चलो आप बताना तहत पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्मित बारह हजार होस्ट पावर का दोस्तों शक्ति वाला इंजन बनाया गया था तो ये कहा बनाया गया था दोस्तों बारह हजार होस्ट पावर वाला इंजन स्वदेशी दोस्तों यहां पे बना हुआ खुद का मधेपुरा बिहार में बनाया गया दोस्तों कहां पे बनाया गया दोस्तों मधेपुरा बिहार में बनाया गया है रेलवे इंजन कारखाना भी दोस्तों यहीं स्थित है ठीक है ना अगला क्वेश्चन है दोस्तों हावड़ा मेल एक्सप्रेस कौन सी दोस्तों एक ट्रेन है हावड़ा मेल एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर दोस्तों किसी महान पुरुष के नाम पर रखा गया है दोस्तों वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर इस ट्रेन का नाम रख दिया गया है ठीक है गोबर गैस में मुख्यतः कौन मिथेन जो पाई जाती है दोस्तों सी एच फोर मिथेन ये कितने प्रतिशत पाई जाती है ये पाई जाती है दोस्तों सेवेंटी फाइव परसेंट हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन दोस्तों एस एस सी हुआ यू पी पी एस सी हुआ ठीक है ना यू पी ट्रिपल एस सी हुआ दोस्तों हर एग्ज़ाम में हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला ठीक है ना गोबर गैस में मुख्यतः कितने प्रतिशत ये पाई जाती है और आपके रेलवे हो गए दोस्तों अधिकतर रेलवे के सभी सेट में तो दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है ये कितने प्रतिशत पाई जाती है ये दोस्तों ठीक है ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हंड्रेड वन परसेंट ठीक है ना नेक्स्ट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम रखा गया था दोस्तों इसका नाम रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक ठीक है ना नेक्स्ट जब कोई वस्तु क्वेश्चन है दोस्तों जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अथवा आंशिक रूप से डूबी यानी कि डूब जाती है तो उसके बारे में क्या होता है दोस्तों कुछ कमी प्रतीत सॉरी सही से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक दोस्तों वस्तु है जब उसको जल में डूबवा जाता है ना दोस्तों तो हल्की सी डूबी हुई या फिर हल्की सी बाहर निकली हुई प्रतीत होती है यानी उसके जो भार है ना दोस्तों बाहर उसमें कमी प्रतीत होती है तो ये कमी दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है जैसे आपका हवाई जहाज चलता है दोस्तों पानी पे आधा डूबा हुआ आधा अंदर आधा बाहर तो एक किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों ये करता है आर्कमंडीज के सिद्धांत पर ठीक है ना आर्क मंडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है ठीक है क्वांटम सिद्धांत दोस्तों क्वांटम थ्योरी आई थी उसकी जो व्याख्या किसने दी थी मैक्स प्लॉक ने दी थी किसने मैक्स प्लॉक ने दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी दी थी ठीक है ना नेक्स्ट दिल्ली मेट्रो रेल सेवा का संचालन कब शुरू किया गया था और किसकी हेल्प से किया गया था दोस्तों ये दो सन दो हजार दो में स्टार्ट हो जाती है डीएमआरसी ठीक है पहले नंबर की दोस्तों ये है दूसरे नंबर पर कौन से दोस्तों मध्य प्रदेश की है ठीक है ना यह जापान एवं कोरिया की सहायता से स्टार्ट किया गया था जापान एवं कोरिया की सहायता से स्टार्ट किया गया था दोस्तों ठीक है ना देश का पहला आई एस ओ नौ हजार एक दो हजार प्रमाण पत्र पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन अर्थात भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है दोस्तों कौन सा हबीबगंज रेलवे स्टेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक और अब आपको मुझे बताना है दोस्तों ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये जो है स्टेशन ये कहाँ स्थित है इतना तो आप बता ही सकते हो दोस्तों ठीक है ना ये कहाँ स्थित है आपको मुझे बताना है बस ये ठीक है ना कमेंट में बता देना मुझे भारत में भारत में सबसे पहले मोनो रेल कहाँ पर चलाई गई थी मोनो रेल होती है दोस्तों जिसमें कितने आई थिंक दो या तीन कोचेज़ होते हैं ठीक है ना और ये जैसे एक तरफ तो चल रही होती है दोस्तों ट्रैफिक जैसे हमारी बस वस इस तरह और एक तरफ चलती है दोस्तों ये ट्रेन तो ये बीच में चल जाती है आई थिंक देखा होगा अपने विदेशों में चलती हैं बीचों बीच इस तरह साइड में ट्रेन मतलब कार बस स्कूटर ये चल रही है दोस्तों साइड बीच में ट्रेन चली तो इस तरीके की मोनोरेल कहाँ चलाई गई थी ये चलाई गई थी दोस्तों मुंबई में एक फरवरी दो में ठीक है ना नेक्स्ट वाराणसी में जो दोस्तों कौन सा डीजल लोकोमोटिव कारखाना है उसके दोस्तों यानी कि उसका जो आधारशिला किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों डी एल डब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना वाराणसी में हुई 1956 में हुई और उसकी आधारशिला किसने रखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने रखी थी ठीक है ना पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि दोस्तों इस साइड का दोस्तों मुख्या दोस्तो, ये दोस्तो, इंडिया का मैप हो जाएगा सॉरी अगर दोस्तों इस तरीके दोस्तो, का इंडिया का मैप है तो इसमें यहाँ पर दोस्तों इस साइड का दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दोस्तो में दोस्तों क्या पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ठीक है कहाँ पर है दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल प्रमुख रेलवे कौन कौन सी हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे नाइनटीन में ली गई दोस्तों नीलगिरी माउंटेन रेलवे दो में ली गई कालका शिमला रेलवे 2008 में ली गई दोस्तों और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब ली गई दोस्तों 2004 में ये तो क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में ठीक है ना तो ये थी हमारे दोस्तों कौन सी कौन सी यूनेस्को सूची में शामिल है अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट भारत का सिलिकॉन वैली है कौन सा है दोस्तों बेंगलोर सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसको ठीक है ना इसे वाईफाई सिटी भी कहते हैं दोस्तों ठीक है बेंगलोर ठीक है ना एम एस स्वामीनाथन को किस जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों जो एम एस स्वामीनाथन है दोस्तों इसको है ना किस के रूप में जाता है भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को अगर विश्व की बात आए तो दोस्तों किसे कहते हैं विश्व की में दोस्तों एम एन बोरलॉग को ठीक है ना एन एम बोरलॉग ठीक है नेक्स्ट मैमू दोस्तों एक मैमू ट्रेन होती है मैमू सेट पर चलती है और दोस्तों एक होती है डैमो एक होती है दोस्तों ई एम यू दोस्तों अलग अलग ट्रैक सेट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट वाले जो दोस्तों होते हैं ना सेट होते हैं ठीक है ना इन पर चलती है कौन कौन सी ट्रेनें तो मैमो की फुल फॉर्म क्या है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और डैमो की डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट दो तरीके के ट्रैक तो दोस्तों एक हो गया एक होता है दोस्तों एम इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जिस पे दोस्तों, पर दोस्तों आई थिंक इस वाली ट्रैक पर चल रही है आपकी ट्रेन अट्ठारह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों इसी ट्रैक पर चल रही है ठीक है ना इलेक्ट्रिकल ट्रैक जो दोस्तों लाइन होती है ऊपर वाली ठीक है ना ये देखिएगा हाँ ये देखिएगा ट्रेन अट्ठारह भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस ट्रैक पर चलती किस सीट पर चलती है दोस्तों किस सेट पर सॉरी सीट नहीं होगा दोस्तों सेट होगा ठीक है ना किस सेट पर चलती है तो ये चलती है दोस्तों ई एम यू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट पर चलती है कौन सी दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ठीक है ना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत में बनी पहली सेमी हाई स्पीड वाली लोकोमोटिव रहित ट्रेन है लोकोमोटिव रहित ट्रेन है दोस्तों कौन सी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही हमारी दोस्तों किस तरीके की ट्रेन है ये लोकोमोटिव रहित है नेक्स्ट क्या है दोस्तों जरा ध्यान देना प्रथम रेल बजट जो दो दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 1924 में ठीक है तो स्वतंत्र रूप से एक वर्ष की समिति के सुझाव पर दोस्तों ये आया था ठीक है ना तो इस समिति में दोस्तों कुल कितने सदस्य थे तो क्वेश्चन ये है दोस्तों जी जो आई थी हमारी एक वर्थ समिति एक वर्ष नहीं है दोस्तों एक वर्थ ठीक है एक वर्थ कमेटी आई थी उसके सुझाव पर दोस्तों क्या हुआ था कि बजट प्रस्तुत किया गया था रेलवे का अलग से तो इसमें दोस्तों कितने सदस्य थे इसमें दोस्तों दस सदस्य थे टोटल कितने थे दस सदस्य थे ठीक है ना अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट लगातार छः साल तक रेल बजट प्रेश करने का दोस्तों रिकॉर्ड किस रेल मंत्री के पास में अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है लालू यादव किसके पास में दोस्तों लालू यादव जी के पास में ये वाला रिकॉर्ड है कि एक साथ इन्होंने दोस्तों लगातार छः वर्ष तक क्या किया था दोस्तों रेल बजट पेश किया था ठीक है आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्या है स्क्रीन पर निम्न में से भारत का किस देश के साथ में कोई रेल परियोजना संचालित नहीं हो रही है कौन सा दोस्तों है चाइना कौन है दोस्तों चाइना ठीक है ना चीन के साथ में भारत और चीन के बीच में दोस्तों रिलेशन आप देख ही पा रहे हूँ क्योंकि एकदम खत्म है क्योंकि ये बहुत ही गंदी पॉलिसी खेल रहा है चाइना ठीक है ना और इन्हीं के बीच और हमारे बीच में कोई भी रेलवे का ऐसा कोई मतलब संबंध नहीं है कि हाँ इनके बीच में हमारे बीच में ट्रेन चलाई जाएगी ठीक है अच्छा जा� क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी इकतीस मार्च दो तक भारत में मीटर गेज की ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है जो मीटर गेज ट्रैक है दोस्तों उसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों देखा जाए तो चौबीस किलोमीटर है चौबीस किलोमीटर है कौन सी दोस्तों मीटर गेज और देखा जाए तो दोस्तों नैरो गेज क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन साथ के साथ दे ले लेता था क्योंकि आप फिर की परेशान हो गे. तो इकतीस मार्च 2020 तक भारत में नैरो गेज जो ट्रैक है दोस्तों उसकी कुल लंबाई कितनी है सोलह सौ किलोमीटर है 1604 किलोमीटर है ठीक है ना आगे देख पा रहे हैं दोस्तों चलिए दोस्तों आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने सारे क्वेश्चन ठीक है तो यही था दोस्तों आज के हमारे सेशन में क्योंकि आपके दोस्तों क्या था इंपॉर्टेंट कलेक्शन था दोस्तों फिफ्टीन क्वेश्चन का और वो भी सारे के सारे दोस्तों कौन से थे दोस्तों डी एफ सी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे डी एफ सी सेल की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे ठीक है ना रेडी रहना दोस्तों शाम को सात बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम आज करेंगे दोस्तों पॉलिटी क्या दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे प्लस करंट अफेयर्स के दोस्तों उसमें होते हैं तो सात बजे वाली क्लास में दोस्तों हम करेंगे शाम को पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस करंट अफेयर्स तो दोस्तों आप जानते हैं मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही रहा हूँ ठीक है ना तो पचास क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों इसमें मैं इसमें आपको कलेक्शन करा देता हूँ दोस्तों पॉलिटी और प्लस करंट अफेयर्स का ठीक है ना तो शाम को दोस्तों सात बजे रेडी रहना ठीक है पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों पॉलिटी के आपके एग्जाम से रिलेटेड जो होंगे दोस्तों ठीक है ना तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं दोस्तों और शेयर कर देना इस क्लास को जो भी भाई डी एस सी सैल की तैयारी कर रहा है ठीक है ना और साथ ही में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर दोस्तों कोई अदर मतलब पर्सन देखता हो तो ठीक है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना तो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं शाम को सात बजे